हमने आपको परावर्तन के बारे में पढ़ाया है कि परावर्तन क्या होता है। उसमें प्रकाश किसी एक चिकने पृष्ठ पे गिरता था और उसी माध्यम में लौट जाता था, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपवर्तन के बारे में, बात करने जा रहे हैं कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन रिफ्रैक्शन, वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन होता है। होता क्या है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित कैसे होगा, देखिए हमने माना कि ये दो माध्यम है, एक माध्यम ये एक, एक ये माध्यम दो है। ये हो सकता है पहले विरल हो और ये सघन हो, या ये भी हो सकता है ये सघन हो और ये विरल हो। तो प्रकाश ये अविलंब है, जैसे कि वहां हुआ करता था परावर्तन में, यहां पे एक लाइट रे गिरी, यहां पे एक लाइट रे गिरी, दोनों एक साथ हम बता रहे हैं। इसको कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। किस कोण पे गिरी, ये आपका आपतन कोण है। तो अगर लाइट रे विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, वहां परावर्तित थी, यहां पर क्या होता है अविलंब से दूर हट जाती है, इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण अपवर्तन कोण। तो क्या कहेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। फिर उसमें थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। उसका कारण क्या है, देखिए प्रकाश जब माध्यम परिवर्तित करता है तो उसके सभी गुण चेंज हो जाते हैं, उसका वेग बदल जाता है, उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, उसकी तीव्रता चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होती। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आता है कि प्रकाश का वो कौन सा गुण है जो माध्यम के परिवर्तन के दौरान नहीं बदलता, तो आप कहेंगे उसका जो उसकी जो आवृत्ति होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। इस डायग्राम को दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आता है अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम के पहले एक वर्ड आता है अपवर्तनांक, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा। तो वो अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो हम पहली बात करने जा रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम वैक्यूम के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे प्रकाश की निर्वात में चार, प्रकाश की निर्वात में चाल अपान प्रकाश की माध्यम में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल, माध्यम में चाल, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। एन लिखते हैं इसको, या थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखो म्यू लिख दीजिए, एन ना लिखिए यहां पर, म्यू, ठीक है। अब चूंकि निर्वात का मतलब एयर हो गया तो यहां पर ए लिख देंगे, और माध्यम हम फिलहाल ग्लास मान लेते हैं, यहां जी लिख देते हैं। ए म्यू जी का मतलब समझिएगा, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जाएगी, यानी निर्वात से ग्लास में जाएगी, तो निर्वात में चाल पहले अपान ग्लास में चाल, इसको सी से लिखते हैं और इसको वी से लिखते हैं। चूंकि आप जानते हो निर्वात में चाल ज्यादा होती है, तो चूंकि सी का मान वी से बड़ा होता है, सो जो म्यू है उसकी वैल्यू वन से बड़ी। ये तो हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब एक आता है सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक ये क्या चीज है। देखिए जैसे हमने कहा लाइट एयर से ग्लास में गई, हमने क्या किया लेंस को उठाया और उठा के पानी में डाल दिया, अब माध्यम क्या हो गया वाटर। अब लाइट वाटर से ग्लास में जाएगी तो वाटर के सापेक्ष, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब अगर मान लें कि लाइट माध्यम वन से माध्यम में टू जा रही है
तो माध्यम वन के सापेक्ष, माध्यम वन, वन एयर हो सकता है लेकिन वन कुछ और भी हो सकता है, माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम टू का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक उसको लिखते कितने, वन म्यू टू। तो लिखेंगे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए, वन म्यू टू का मतलब होता है लाइट माध्यम वन से टू में जा रही है पहली बात, और ये पहले से दूसरे में जा रही है, तो पहले में चाल बटे दूसरे में चाल, न्यूमेरिकल में बड़ा दिक्कत करता है। ये दो प्रकार की अपवर्तनांक। अब बात करने जा रहे हैं जो अभी आपने अपवर्तन पढ़ा है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। देखिए अपवर्तन के दो नियम है, ये एक माध्यम ले लिया हमने, माध्यम एक माध्यम दो, मुझे सघन विरल से कोई मतलब नहीं है, ये लाइट गई अब मतलब नहीं, लेकिन कुछ तो दिखाना पड़ेगा आपको, फिर आप अवलंब की ओर झुका देते हैं तो अपने आप ये विरल हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन बिंदु है, ये अवलंब है। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है, जरा परावर्तन का पहला नियम देखिएगा, परावर्तन का पहला नियम क्या था कि आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतन बिंदु पे अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पर क्या होगा, आपतित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश, नाम चेंज हो जाएगा, तथा आपतन बिंदु पे अवलंब तीनों एक ही तल में होंगे, पहला नियम। और दूसरा क्या होगा, आपतन कोण की साइन यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की साइन साइन आर किसी दिए हुए तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए, हर प्रकाश के लिए नहीं कि आपने मिक्स लाइट भेज दी उसमें रेड कलर भी है ग्रीन भी है, नहीं चलेगा, एक लाइट एक कलर की लाइट, किसी दिए हुए तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है। और इसे क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का मतलब यह हुआ कि लाइट पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। तो वन म्यू टू लिखते हैं और इसी को आप स्नेल का नियम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, स्नेल का नियम है, ठीक है। तो ये तो अपवर्तन के नियम हो, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अब इसमें एक हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बता रहे हैं। उत्क्रमणीयता का मतलब लग रहा है उल्टा, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत अभी इस न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए अगर हम माने कि ये एक माध्यम का डिवाइडर है, डिवाइड करता है, ये माध्यम वन है और ये माध्यम टू है, वो विरल सघन कुछ भी हो सकता है, ये अविलंब है, ये कोई प्रकाश किरण गिरी, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तित होगी, ये अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो पहले हम माने कि जब प्रकाश किरण माध्यम वन से माध्यम टू में जाती है, माध्यम टू में जाती है, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, वन म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ये पहला समीकरण हो गया, ठीक। अब जरा समझिएगा, ये जो लाइटें जा रही थी हमने यहां पर इसके अभिलंबवत एक मिरर रख दिया, एक समतल दर्पण रख दिया, तो क्या होगा, अभिलंबवत जैसे ही प्रकाश टकराएगा इसी माध्यम में इसी रास्ते में वापस लौट के चला जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि वही प्रकाश किरण, यदि यही प्रकाश किरण माध्यम टू से माध्यम वन में जाती है, अब कैसे गई, मैंने कांच डाला, क्या रखा उसमें, ग्लास रखा, वो दिख रहा है आप, तो यहां क्या हो जाएगा, टू म्यू वन, यहां पर आपतन कोण क्या हो जाएगा आर और अपवर्तन कोण आई, वो आएगा साइन आर अपान साइन आई। अगर दोनों समीकरणों को देखें, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे, किन दोनों का गुणा कर दीजिएगा, समीकरण एक और दो का गुणा करने पर, समीकरण एक
और दो का गुणा करने पर। देखिए ये आएगा वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन इज इक्वल टू वन, या टू म्यू वन इज इक्वल टू वन अपान वन म्यू टू। ये एक फार्मूला बना। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इसका क्या फर्क पड़ रहा है। मान लिया कोई लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो आपको एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक चाहिए ए म्यू जी, जो कि दिया होता है। अब मान लिया एक पेपर वेट है, तो देखा होगा पेपर वेट कलर्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारे बबल्स बने होते हैं, लाल पीले हरे बने होते हैं, आप उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं मतलब लाइट उस बबल से हमारी तरफ आ रही है, ठीक है। इसका मतलब लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से निकल रही है और आप एयर में खड़े हुए ना, तो आपको जी म्यू ए चाहिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा वन। तो जब जी म्यू ए चाहिए तो वन अपान ए म्यू जी से निकाल लेंगे, ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। एक और नोट करके लिखिएगा इसमें, थोड़ा और बढ़ाएंगे इसमें, एक माध्यम और हम बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से। हमने यहां पर तीन माध्यम माने, एक लाइट एक माध्यम ये, एक माध्यम ये, एक माध्यम ये माध्यम वन, ये माध्यम टू, ये माध्यम थ्री और ये पूरा माध्यम वन, ठीक। अब देखो लाइट वन से टू में जा रही है, हमको ये मतलब नहीं है कि कौन सघन कौन विरल। लाइट वन पे गिरी, ये आपतन कोण था, ये लाइट टू में ऐसे आ गई, माध्यम टू में ये आर है, आर वन मान लो। तो जब वन से टू में जाएगी, जब प्रकाश किरण माध्यम वन से टू में जाती है, तो क्या होगा यहां पर, वन म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर वन, ये समीकरण एक हो गया। अब यहां पे आइए, यहां पे आप अभिलंब खींचेंगे, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये भी कोण आर वन होगा, एक आंतर कोण अल्टरनेटिंग एंगल होगा, ये यहां पर इसका R2 एंगल मान लेते हैं। तो लिखेंगे जब प्रकाश किरण माध्यम 2 से 1 में जाती है, तो क्या होगा, 2 म्यू 3 इज इक्वल टू, यहां पर आपतन कोण आर वन हो जाएगा और अपवर्तन कोण आर टू, तो साइन आर वन अपान साइन आर टू, समीकरण नंबर दो हो गया। यहां पर ये अभिलंब है, ये हो जाएगा आर टू। देखिए चूंकि पहला वाला माध्यम और ये वाला माध्यम सेम है, तो जब विभिन्न माध्यमों से गुजरता हुआ प्रकाश अपने प्रारंभिक माध्यम में आता है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर हो जाती है, यानी ये इसके समांतर निकलेगा, यानी ये कोण भी आपका आई होगा। तो जब प्रकाश किरण माध्यम थ्री से वन में जाती है, तो क्या हो जाएगा, साइन आर टू अपान साइन आई इज इक्वल टू थ्री म्यू वन, ये समीकरण नंबर तीन हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, समीकरण एक दो और तीन को गुणा करने पर आप कहेंगे क्या लफड़ा है, अभी लफड़ा समझ में आ जाएगा। यह है वन म्यू टू इंटू टू म्यू थ्री इंटू थ्री म्यू वन इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, साइन आई अपान साइन आर वन इंटू साइन आर वन अपान साइन आर टू इंटू साइन आर टू अपान साइन आई। देखिए ये सब कट जाएंगे आपस में, यहां बचेगा वन,
तो क्या आया 1μ2 इंटू 2μ3 इंटू 3μ1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ये माध्यम एयर मान लें, ये माध्यम वाटर मान लें, ये माध्यम ग्लास मान लें और ये माध्यम फिर एयर मान लें, तो इसका मतलब क्या है aμw, ठीक, इसका मतलब क्या है wμg, क्योंकि वाटर से ग्लास में लाइट आ रही है, इसका मतलब क्या है gμa इज इक्वल टू 1। aμw क्या होता है, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, ये होता है, दिया रहता है, ये तो लिखा रहने दो, इसको लिखा रहने दो, जी म्यू क्या होता है, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तन नहीं होता है, एयर के सापेक्ष ग्लास का होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/aμg इज इक्वल टू 1। तो जब ये wμg निकालोगे तो wμg क्या निकलेगा aμg/aμw, ठीक। इसका यूज कहां होगा, मान लिया आपको लेंस दिया हुआ है, ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक दिया है यानी एयर के सापेक्ष, वाटर दिया है वाटर का अपवर्तनांक दिया है एयर के सापेक्ष, आपने लेंस को उठा के पानी में डाल दिया, अब माध्यम क्या हो गया वाटर, अब आपको वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है, तो ग्लास का अपान वाटर का, वाटर के सापेक्ष ग्लास मतलब लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, अगर लाइट वाटर से ग्लास में जाएगी तो पहले ग्लास का लिखोगे अपान तब वाटर का लिखोगे, ये उल्टा होता ध्यान रखिएगा, तो ये इसको अप्लाई करने का तरीका होगा। तो ये तो हो गया आपका अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। अब जरा देखिएगा एक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, जरा समझिएगा, एक आता है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण जरा समझिएगा, अगर लाइट यहां पर सघन माध्यम है और यहां पर विरल माध्यम है, अगर लाइट रे ये नॉर्मल है, माने ये लाइट रे गिरी, इसका नंबर डाल दो नंबर 1 लाइट, ठीक, तो ये क्या होगा नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी अपवर्तित किरण ये हो जाएगी नंबर 1 पे, ठीक। अब आपने क्या किया आपतन कोण बढ़ा दिया, अब लाइट ऐसे गिराई आप नंबर 2, तो अपवर्तन कोण भी बढ़ जाएगा, ये नंबर 2 आएगी, आपने आपतन कोण और बढ़ा दिया नंबर 3, तो हो सकता है लाइट ऐसे चली जाए 90 डिग्री पे नंबर 3 यानी 90 डिग्री पे, तो इसी कोण को आप कहेंगे क्रांतिक कोण, इसको सी से लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, अब बहुत सारे नहीं बनाएंगे तो समझाने के लिए है, यानी ये डायग्राम ये बना, ये सघन ये विरल, ये लाइट हमने डाली और ये 90 डिग्री पे चली गई, ये आर कितना हो गया 90, ये सी हो गया। तो अगर आपसे कहेंगे क्रांतिक कोण क्या है, तो आप कहेंगे कि सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक। अब ये सघन माध्यम है, इसको मैंने ग्लास मान लिया, ये विरल माध्यम है, इसको मैंने एयर मान लिया, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसके अपवर्तनांक बारे में बात करूं तो लाइट ग्लास से एयर में जा रही है तो आएगा gμa इज इक्वल टू साइन सी, साइन आई, आई आपका सी है और आर क्या है साइन 90, gμa बराबर साइन सी साइन 90 1 होता है, जी म्यू क्या है ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक होता क्या है एयर के सापेक्ष ग्लास का, जिसको क्या लिखा जाएगा 1/aμg बराबर साइन सी, इसको पकड़ दो तो aμg बराबर 1/sin c यानी cos c। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप कहेंगे म्यू बराबर cos c डायरेक्ट, और ये उसका प्रोसीजर है, कभी मान लिया माध्यम गड़बड़ दिया हो तो इस प्रकार से आप प्रोसीजर निकालें। अब ये तो क्रांतिक कोण हो गया, अब मान लिया कि आप क्रांतिक कोण से और कोण बड़ा कर दीजिए 4 नंबर, तो लाइट का जो अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और लाइट उसी माध्यम में चली जाएगी, इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है कि अगर लाइट सघन से विरल में जा रही है और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा है, तो वह लाइट का जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है और लाइट उसी माध्यम में चली जाती है, उसको कहते हैं अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
अब आप कहेंगे साहब ये बताइए कि परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर क्या है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी परावर्तन के नियम का फॉलो करता है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां भी ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। दोनों में अंतर क्या है देखिए, परावर्तन में क्या होता है, लाइट एक चिकना तल होता है, लाइट आती है, लाइट बहुत तेजी से आई, इसके अंदर घुस गई, उसको तो बड़ा ताकत है कि हम आर पार चले जाएंगे। जैसे अंदर गई तो देखा नीचे सिल्वर पॉलिश है, वो कहती कहां जा रही हो, अरे हम तो उधर जा रहे हैं, चलो भागो। अब वहां टकरा के फिर वो पूरे परिवार सहित वापस लौट के आना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत एनर्जी नष्ट हो जाएगी। यानी परावर्तन में पहले कहां से टकराओ, उसके अंदर जाओ, अंदर रास्ता ना पाओ, वहां एक पॉलिश पाओ, फिर उसके बाद वापस लौट के आओ, तो एनर्जी लॉस होगी नहीं होगी। यहां पर क्या होता है, लाइट ने टकराई नहीं, हमने क्या किया, हमने कहा दीवार से टकरा के आप वापस आइए, हमने आपको भेजा दीवार में, आप टकराए और वापस होके आए, एनर्जी आपकी लॉस हो गई, ये परावर्तन है। अब हमने क्या किया, आपको रास्ता दिया और ऐसा एक गलियारा बना दिया कि घूम के ऐसे आ जाना, आप दौड़ते हुए गए घूम के आगे, बोले रहे फिर आप तो यही खड़े, बोले यस मैंने रास्ता दिया था, आप में टकराए नहीं, आपका रास्ता मैंने घूम दिया। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पूरा प्रकाश यहां वापस आ जाता है। ठीक है, परावर्तन में प्रकाश आता है लौट के, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी तीव्रता कम हो जाती है, यहां तीव्रता कम नहीं है। तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या लिखेंगे कि सघन माध्यम में जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो वह प्रकाश का जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है और प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट के आता है। परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर यह है कि परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता कुछ कम हो जाती है, इसमें कम नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, थैंक यू।